मध्य प्रदेश के किसानों में सरकार से लगातार नाराजगी बनी हुई है। इसी कड़ी में छतरपुर में भी किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया और अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। छतरपुर मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवेदन दिया। आवेदन देने गए भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और किसानों की समस्या बताने के दौरान अधिकारियों से नोकझोंक भी हो गई। बता दें कि किसानों की खाद और बीज की समस्या सहित एमएसपी पर मूंगफली की खरीदी करने के लिए मांग रखी गई, जिसको लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर खाद बीज नहीं मिल रहा है, इसका असर आने वाली फसल पर पड़ेगा। मूंगफली है जो हमारी एमएसपी के रेट पर खरीदने के लिए पंजीयन कराया जाए, तत्काल कराया जाए, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे हम। खाद बीज है जो सही ढंग से समय पर उपलब्ध कराया जाए। आज यहाँ जिला प्रशासन के सामने भारतीय किसान संघ ज्ञापन लेने के लिए आया था। एसडीएम साहब ने तो किसानों की बात सुनी ही नहीं है और बिना एकर पीठ दे करके किसानों से चले गए। किसान ने अपनी समस्या रखनी चाहिए जिला प्रशासन के सामने, आखिर सुन नहीं रहे। हमारे यहाँ पूरे छतरपुर में ना तो आपको डीएपी मिल रहा है, किसानों के लिए परेशान। वेयर हाउसों में माल पड़ा है लेकिन किसानों को माल नहीं मिल रहा है। यदि वही रेट हम ज़्यादा मूल्य पर दें तो उनको डीएपी मिल जाता है। जिला प्रशासन कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। कृषि विभाग कभी किसानों की सुध नहीं लेता है। कलेक्टर से भी अपेक्षा है कि जब केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी जब किसानों के साथ, किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठ सकते हैं, तो छतरपुर जिला प्रशासन आकर किसानों के साथ क्यों नहीं बैठ सकता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।